तो so, हम देखते हैं डिपॉजिटरी क्या होता है राइट स्टॉक एक्सचेंज में डिपॉजिटरी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जस्ट लाइक बैंक होते हैं ना स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है वो हमने देख लिया है कि कैसे वहाँ पे डील होती है पर अब वहाँ पे डिपॉजिटरी जो होते हैं वो कैसे होते हैं तो so, जैसे कि हमारे हमारी जो मनी होती है हम उसको सेफ कस्टडी में रखने के लिए कहाँ जाते हैं बैंक के पास जाते हैं सिमिलरली जो डिपॉजिटरी होता है ना वो क्या है वो सिक्योरिटीज़ को रखने का बैंक है सो बेसिकली इन्वेस्टर्स के बिहा पे उनकी जो सिक्योरिटीज़ हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जहाँ हम पर यहां पे हम मनी नहीं रख रहे हैं अपनी रहे है अपनी रख रहे हैं। और फिजिकल फॉर्म में जा रखते हैं जैसे पैसा तो फिजिकल नोट आप देखते हो जा रखते हो तो क्या डिपॉजिटरी में हम फिजिकल जाके रखते है? नहीं डिपॉजिटरी में हम अपनी ऑनलाइन सिक्योरिटीज़ को अपनी सिक्योरिटीज़ को यहाँ पे डिपॉजिटरी में रखते हैं राइट सो डिपॉजिटरी क्या होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपकी सिक्योरिटीज़ को मतलब जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी सिक्योरिटीज़ को होल्ड करने के लिए किस तरह से होल्ड करके वो तो अपने पास जो रखेंगे वो किस तरह रखेंगे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखेंगे और ये जो सिक्योरिटीज़ रखे जाते हैं ना वो रजिस्टर्ड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू रखे जाते हैं बेसिकली रखने का है डिपॉजिटरी में रखने हैं पर ये रखेगा कौन डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स रखते हैं अभी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते कौन है तो ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स क्या होते हैं एजेंट होते हैं डिपॉजिटरी के राइट द डिपॉजिटर पार्टिसिपेंट्स इज़ एन

पार्टिसिपेंट्स पार्थ। वर्क करते हैं ट्रेडर और इन्वेस्टर्स को वो वर्किंग प्रोवाइड करते हैं राइट तो डिपॉजिटरी में होता क्या है कि यहाँ पे जो सिक्योरिटीज़ है ना उसके लिए आपका प्रॉपर अकाउंट ओपन होता है जिसको हम डिमेट अकाउंट कहते हैं और वहाँ पर क्या होता है आपके जितने भी शेयर्स हैं मतलब जितने भी सिक्योरिटीज हैं वो डिपॉजिट करके रखते हैं इलेक्ट्रॉनिक मोड में उनको विड्रॉ करना है उनको डिपॉजिट करना है तो जब भी आपके जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनसे जब भी इंस्ट्रक्शंस मिलेगा जो भी इंस्ट्रक्शन मिलेगा जिस भी टाइम मिलेगा गा, उसी इंस्ट्रक्शन के हिसाब से उन सिक्योरिटीज को डिलीवर या रिसीव किया जाता है मतलब इस पर्टिकुलर अकाउंट से डिडक्ट कर दिया जाएगा या एड ऑन कर दिया जाएगा वो उन जो शेयर होल्डर हैं जो इन्वेस्टर्स हैं उनके और उनके अकॉर्डिंग उनके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग सो so, ये काम डिपॉजिटिव पार्टिसिपेंट करते हैं राइट सो डिपॉजिटरी क्लियर हो गया डिपोजिट पार्टिसिपेंट समझ में बहुत सारे डिपॉजिटिव पार्टिसिपेंट्स होते हैं इनकी साइड्स पर आप जाके देख सकते हैं तो इंडिया में अगर हम बात करें तो दो डिपॉजिटरीज हैं इट right? अगर हम इंडिया में बात करते हैं तो दो डिपॉजिटरीज हैं जो कि सेबी के थ्रू रजिस्टर्ड है तो एक हमारी क्या हो गई एन जिसको बोलते हैं नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड एन ठीक है Limited, NSDL, ये नेशनल लेवल पे है जो सिक्योरिटीज को डिपॉजिट करने के लिए बनाई गई है नाम समझ में आ रहा है ठीक है सिक्योरिटीज डिपॉजिट करने का मतलब ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में क्लियर है तो ये फर्स्ट एंड लार्जेस्ट डिपॉजिटरी है जो कि अभी भी इंडिया में प्रेजेंट है और अपना ऑपरेशन प्रॉपरली करें मतलब अपनी वर्किंग प्रॉपरली करती है इसको प्रमोट करती है मतलब इनकी जॉइंट किसके थ्रू आई के थ्रू यूटीआई के थ्रू और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू एनएससी के थ्रू तो इन एनएससी के जो सिक्योरिटीज हैं एनएससी का जो चीजें हैं वो ये इन लोग आई यूटीआई की हेल्प से ये सारे उनके पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबकी हेल्प से ये सारा वर्क कंप्लीट करते हैं इनके थ्रू प्रमोट किया जाता है नेक्स्ट हमारी आती है सी डी एस एल सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड ये हमारी सेकेंड डिपॉजिटरी है जो कि किसके थ्रू प्रमोट की जाती है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू और बैंक ऑफ इंडिया बेसिकली ये सी डी एस एल को प्रमोट करते हैं उनकी वर्किंग में हेल्प करते हैं right? राइट और वहीं पर एनएसडीएल के लिए कौन हेल्प करता है एनएससी आई डी बी आई और यू टी आई हेल्प करती हैं तो ये दो मेन डिपॉजिटरी हैं जो से बी के थ्रू रजिस्टर्ड है और इन्हीं के पार्टिसिपेंट्स बहुत सारे जैसे एनएसडीएल के पार्टिसिपेंट्स को अगर आपको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स को देखना है तो एन एस डी एल की साइड पर चले जाएंगे आपको वो पार्टिसिपेंट मिल जाएंगे जो एन में जाके खुद को रजिस्टर्ड किए हैं क्योंकि जैसे अगर सपोज करिए मैं हूँ तो मुझे डिपॉजिट पार्टिसिपेंट बनना है तो मुझे चाहिए होगा ना कि मैं किसी डिपॉजिट का एजेंट बनूँ क्योंकि डिपॉजिट पार्टिसिपेंट होते कौन है एजेंट तो मैं किसकी एजेंट होंगी किसी डिपोजिटर के एजेंट होंगी ना तो उसके लिए मुझे एन एस डी में अप्लाई करना पड़ेगा तो आपको किसी के भी डिपोजिट एन एस डी एल के डिपॉजिट पार्टिसिपेंट देखना है उनकी साइड पर आप देखिए कि बहुत सारे बजाज कैपिटल वगैरह ये सारे के सारे बहुत सारे हैं आप जाके देखेंगे ना तो आपको मिल जाएगी पूरी लिस्ट है वहाँ पर तो वो सारे डिपॉजिट पार्टिसिपेंट अवेलेबल हो जाते हैं राइट अब हम बात करते हैं किसकी डिमेटलाइजेशन की राइट अब हमें एक चीज तो क्लियर हो गई कि स्टॉक एक्सचेंज में एक मार्केट है जहां पे हम सिक्योरिटीज़ की ट्रेडिंग करने वाले हैं है ना मतलब बाइंग एंड सेलिंग करेंगे और एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ की ट्रेडिंग एंड सेलिंग करेंगे राइट उस ट्रेडिंग एंड सेलिंग मतलब ट्रेडिंग करने के लिए बाइंग एंड सेलिंग करने के लिए हमको क्या करना होगा ब्रोकर चूज करना होगा ब्रोकर से अपना एक अकाउंट ओपन करवाना होगा जिसको हम बोलते हैं डीमैट अकाउंट ये डीमैट अकाउंट डिपॉजिटरी लोग हैंडल करेंगे जो डिपॉजिटरी के डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं ये लोग हैंडल करेंगे और जैसे ही हम इंस्ट्रक्शन देंगे उसके अकॉर्डिंग ही इसमें से डेबिट या क्रेडिट करेंगे ये इलेक्ट्रॉनिक मोड में हमारी सारी सिक्योरिटीज को होल्ड करके रखते हैं राइट अब तो डिमेटलाइजेशन क्या होता है तो अब यहाँ पे देखिए डिमेटलाइजेशन बेसिकली एक प्रोसेस होता है जहाँ पे हम क्या करते हैं जो सिक्योरिटीज़ इन्वेस्टर्स की होती हैं फिजिकल फॉर्म में ना उसको हम कैंसिल कर देते हैं और उसको हम क्या कर देते हैं उसको हम ऑनलाइन मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं देखिए एक्चुअली हुआ क्या कि पहले फिजिकल फॉर्म में सिक्योरिटीज़ रखी जाती हैं अभी क्या हो गया वो फिजिकल फॉर्म की सारी सिक्योरिटीज़ को कैंसिल कर दिया गया अब फिज़िकल फॉर्म में सिक्योरिटीज़ नहीं रखी जाती हैं शेयर सर्टिफिकेट शेयर आप ऐसे जाके अपने पास रखिए नहीं सब के सब कैसे रखे जाने लगे इलेक्ट्रॉनिक मोड में रखे गए सो so, क्या हो गया प्रोसेस हो गया जहां पे सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड किया जाता है है ना तो डिमेटलाइजेशन के प्रोसेस में क्या होगा सिलेक्ट जितनी भी सिक्योरिटीज हैं किसी भी फॉर्म में होंगी उन सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक uh, फॉर्म में होल्ड करके रखना राइट right? इलेक्ट्रॉनिक कॉइन जैसे होता है ना आप जैसे आप बिटकॉइन देखते हो ना तो बिटकॉइन कोई करेंसी है ना तो बिटकॉइन कैसे ऑनलाइन करेंसी है आपको कोई फिजिकल नोट नहीं दिख रही है फिजिकल कुछ नहीं दिख रहा है पर है ना करेंसी ऐसे ही समझिए सिक्योरिटीज हैं कंपनी की सिक्योरिटीज है आपके नाम पर रहेगी लेकिन ये आपके अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट होते दिखेगी कि मतलब इतना और सिक्योरिटीज आपके अकाउंट में आ गई इतनी सिक्योरिटीज कम हो गई फिजिकल फॉर्म में नहीं दिखेगी तो इसी प्रोसेस को डिमेटलाइजेशन कहते हैं सो डिमेटलाइजेशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच फिजिकल सिक्योरिटीज सच एज शेयर सर्टिफिकेट या अदर डॉक्यूमेंट्स या अदर सिक्योरिटीज को हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में ठीक है और जिसको हम कहाँ रखते हैं डीमेट अकाउंट में रखते हैं तो बहुत सिंपल सा चीज़ है मैं इन्वेस्टर हूँ मुझे स्टॉक एक्सचेंज में जाके ट्रेडिंग करनी है किसी कंपनी का शेयर खरीदना है तो उसके लिए मुझे अपना डीमेट ब्रोकर से कह के डीमेट अकाउंट खुलवाना होगा ब्रोकर मेरा बैंक भी हो सकता है ये याद रखिएगा तो ब्रोकर को कह के मेरा डीमेट अकाउंट खुलवाना है तो वो मेरा एक एक जो नॉर्मल बैंक अकाउंट खुलता है वो अलग और मेरा डीमैट अकाउंट बैंक में ही खुलवा रही हूँ तो मेरा बैंक में जो अकाउंट खुलेगा वो अलग और एक मेरा डीमैट अकाउंट के नाम से खुलेगा उसका नाम ही रहेगा डीमैट अकाउंट वो मेरा एक अलग अकाउंट ओपन हो जाएगा उस अकाउंट में मैं जितनी भी शेयर्स को परचेज करूँगी या मेरे पास जितने भी शेयर्स होंगे उनको क्या कर दिया जाएगा उसी अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा मेरे पास ऑलरेडी पाँच शेयर्स थे किसी कंपनी के तो अब उस शेयर्स को मेरे उसी डीमेट अकाउंट में लिख दिया जाएगा कि इनके पास इस पर्टिकुलर कंपनी फाइव थाउजेंड शेयर्स क्रेडिट है तो इतने शेयर्स हैं तो ये जो मेरे फिजिकल शेयर्स थे ना वो मुझे दे देने होंगे और उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाएगा इसी प्रोसेस को डिमेटलाइजेशन कहते हैं किस अकाउंट में सब रखा जाएगा डिमेट अकाउंट में रखा जाएगा सो द इन्वेस्टर इज गिवन एन इलेक्ट्रॉनिक एंट्री और नंबर सो दैट शी और ही कैन होल्ड इट एज एन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इन एन अकाउंट तो आपको जैसे आपको पता है कि आपका बैंक अकाउंट का नंबर मिलता है वैसे आपको एक इलेक्ट्रॉनिक नंबर मिल जाएगा डिमेट अकाउंट में और आपको उसी उसी अकाउंट में आपने कितना शेयर्स या कितनी सिक्योरिटीज़ को होल्ड किया है कितनी आपके पास है क्या बैलेंस है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट होता रहेगा इलेक्ट्रॉनिकली इज इट क्लियर तो बहुत ईजी है अब क्वेश्चन क्या उठता है कि डिमेटलाइजेशन का प्रोसेस कैसे होगा है ना प्रोसेस अब देखिए अगर अभी आप जा रहे हैं आप कभी नहीं कुछ करवाएं तो अभी आप जाएंगे आप बोलिए कि मुझे मुझे ट्रेडिंग करनी है तो आपको सिंपली क्या करना होगा डिमेट अकाउंट ओपन करवाना होगा ब्रोकर से कह के, के और सेलिंग परचेजिंग शुरू कर देनी होगी तो आपका जो भी शेयर्स या जो भी सिक्योरिटीज होगी वो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही आएगी तो डिमेटलाइजेशन का प्रोसेस तो यहाँ आया नहीं क्योंकि डिमेटलाइजेशन के प्रोसेस में होगा क्या जो फिजिकल फॉर्म में शेयर या सिक्योरिटीज थी ना उसको हमें कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में और उसको आपके डिमेट अकाउंट में क्रेडिट करना है ठीक है तो इस अगर डिमेटलाइजेशन किसी को करना है अपने शेयर सर्टिफिकेट या चीज़ों का अपने सिक्योरिटीज़ को डिमेटलाइज कराना है तो उसका क्या प्रोसेस है मेरे पास कुछ फिजिकल सिक्योरिटीज रखी गई थी शेयर सर्टिफिकेट मेरे पास इशू होकर रखा है और मुझे इस शेयर सर्टिफिकेट को डिमेटलाइज़ कराना है तो अब मेरा अब मुझे क्या करना होगा वो प्रोसेस आप यहाँ सीखने जा रहे हैं राइट तो उसके लिए आपको क्या करना होगा अपना डिमिट अकाउंट ओपन कराना होगा क्योंकि हमको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करके डिमिट अकाउंट में ही तो क्रेडिट करना होगा ऑलरेडी ओपन है तो कोई दिक्कत नहीं है और नहीं ओपन है तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा डिमिट अकाउंट ओपन करवाना होगा अब डीमेट अकाउंट ओपन कराएंगे आप तो कैसे कराते हैं ब्रोकर के थ्रू कराते हैं किसी मान लीजिए मैं बैंक ऑफ इंडिया में ही अपना डिमेट अकाउंट ओपन कराने जा रही हूँ तो ठीक है मैंने अपना ब्रोकर चूज कर लिया बैंक ऑफ इंडिया वहाँ पर मैंने डिमेट अकाउंट ओपन करवा लिया करवा लिया अब ये डिमेट अकाउंट हमारा कहाँ पर किसी ना किसी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के थ्रू ही होगा ना तो ये जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स है ना जो जो डिमेट सर्विसेज देंगे उनको हमको सेलेक्ट कर लेना होगा राइट कि हम किस डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के लिए किस डिपॉजिटरी के अंदर अपना डिमिट अकाउंट संभाल के रखने वाले हैं क्योंकि वही हमारा डेबिट क्रेडिट करेगा क्लियर है तो अब क्या करेंगे हम अपने फिजिकल शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक मोड में मतलब डीमैट फॉर्म में इसी को कहते हैं डीमैट जो मेट्र मेट्रलियर देखिए नाम से बहुत क्लियर है मेट्रलाइज मटेरियल जो दिख रहा था आपको आपके सामने था जो उसको डी कर रहे हैं मतलब कि अब वो मटेरियल फॉर्मेट उसका हटा रहे हैं अब उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कर रहे हैं तो आप डीमेट फॉर्म में करेंगे फिजिकल को डीमेट फॉर्म में कन्वर्ट करना है आपको तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपने बैंक अकाउंट ओपन करवा लिया डीमेट अकाउंट ओपन करवा लिया अब आपको एक डी डिमेटलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म जो है वो अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास देना पड़ेगा फिल करके और अपने शेयर सर्टिफिकेट को भी उनके साथ लगा देना पड़ेगा मतलब मेरा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जिसको मैंने चूज किया है उनके पास जाके मुझे कहना होगा कि अब ये मेरा फॉर्म है डी आर एफ जिसे कहते हैं डिमेटलाइज रिक्वेस्ट फॉर्म कि मेरे पास ये शेयर सर्टिफिकेट है इनको मैं डिमेटलाइज कराना चाहती हूँ या चाहता हूँ ठीक है आप उनको दे देंगे अब उसके बाद क्या होगा कि वो जितने भी शेयर सर्टिफिकेट आपने दिया है ना उस पर एक चीज़ मतलब एक नॉलेजमेंट जैसे होती है ना वो करना जरूरी है वो क्या होगा सरेंडर फॉर डिमेटलाइजेशन क्योंकि आप ये शेयर सर्टिफिकेट दे रहे हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को तो वहाँ पे ये लिखना ज़रूरी है कि आप ये डिमेटलाइजेशन के लिए सरेंडर कर रहे हैं आप उनको दे रहे हैं वो ये मैंशन करना मैंडेटरी होता है क्लियर है तो हमने उनको डी फिल करके दे दिया और अपना शेयर सर्टिफिकेट भी सरेंडर फॉर डिमेटलाइजेशन लिख के उनको वो भी दे दिया तो अब क्या होगा डीप जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं ना वो हमारी जो रिक्वेस्ट है कि हमको हमारा डिमेटलाइज कर दिया जाए उसको क्या करेंगे प्रोसेस करेंगे राइट तो उसके लिए वो कंपनी से जो कंपनी की शेयर सर्टिफिकेट किसी ना किसी कंपनी का होगा तो कंपनी से जो रजिस्ट्रार हैं जो ट्रांसफरिंग एजेंट है ना उनके थ्रू और डिपॉजिटरी के थ्रू इन सब चीज़ों को वो चेक करेंगे राइट तो इसमें यह लोग करते क्या है डिपॉजिट पार्टिसिपेंट्स पूरा वेरीफ़ाई करेंगे कि जो भी फॉर्म आपने भरा है रिक्वेस्ट फॉर्म जो आपने भरा है वो सब सही है कि नहीं है उस नंबर ऑफ़ सर्टिफिकेट आपने जिस उसमें जितने लिखे हैं उतने नंबर ऑफ सर्टिफिकेट आपने दिए हैं कि नहीं नंबर ऑफ़ सिक्योरिटीज़ उतनी है कि नहीं सिक्योरिटी का टाइप आपने जो दिया वो है कि नहीं है मतलब आपने दिव... वो डिमिटलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म में जो कुछ भी लिखा है उसी के अकॉर्डिंग आपने मुझे सिक्योरिटीज़ हैंड ओवर करी है कि नहीं करी है वो सिक्योरिटीज़ वाकई में उस कंपनीज़ की उस हिसाब से हैं या नहीं है ये सारी चीज़ें वो वेरीफाई करेंगे उस उसके अलावा वो स्क्रूटनाइज भी करेंगे फॉर्म को प्रॉपरली स्क्रूटनाइज करने का क्या मतलब हो गया जैसे एक एग्जाम्पल के लिए जैसे क्लाइंट का सिग्नेचर ही है तो डिमेटलाइज फॉर्म में जो क्लाइंट का सिग्नेचर है बाकी जगह पर जो क्लाइंट का सिग्नेचर है उस सिग्नेचर्स को वो क्या करते हैं कंपेयर करते हैं जो क्लाइंट का नेम है तो आपने जो रिक्वेस्ट फॉर्म किया डीआरएफ फॉर्म उसमें आप क्लाइंट का नाम क्या है और जो सर्टिफिकेट्स उनको मिला उसमें क्लाइंट का नाम क्या है उनका पेड अप स्टेटस कितना इस सर्टिफिकेट के लिए कितना पेमेंट कर चुके हैं कितना ड्यू अमाउंट है तो इस तरह से सारी डिटेल्स को वो स्क्रूटनाइज करते हैं है ना तो हमने उनको अपना डिमेट अकाउंट ओपन करवाया हमने डीआरएफ अप्लाई किया डीआरएफ अप्लाई किया और अपना जो फिजिकल फॉर्म में शेयर्स थे सर्टिफिकेट्स थे जो सिक्योरिटीज थी वो भी हैंड ओवर कर दिया सरेंडर करने के अब उसके बाद वो लोग क्या करेंगे डिपॉजिट पार्टिसमेंट का काम शुरू वो पूरा प्रोसेस करेंगे वो सब कुछ वेरीफ़ाई कर रहे हैं स्क्रूटनाइज़ कर रहे हैं राइट जब एक बार उनका ये काम हो जाएगा मतलब एक बार वो डिपॉजिटरीज को सपोज दे दिए तो जब डिपॉजिट डिपॉजिट पार्सिपेंट सब कुछ डिपॉजिटरीज को पहुँचा दिए अब उनका ये रिक्वेस्ट वहाँ पर पहुँच गया और वेरीफाई वगैरह सब कुछ हो गया तो सर्टिफिकेट इन फिजिकल फॉर्म विल द डिपॉजिटरी तो जैसे ही एक बार उनका हो जाता है कि मतलब सब, हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया और सब कुछ सही पाया गया अगर सही नहीं पाया गया तो कैंसिल हो जाता है और एक्नोलमेंट भेज दी जाती है इन्वेस्टर्स को कि आपका कैंसिल हो गया डिमेटलाइज नहीं होगा अगर कोई भी वेरिएशन हुई तो और अगर एक बार सब कुछ स्क्रूटनाइज वेरीफाई करने के बाद डिपॉजिटरी सब कुछ सही है तो वो अप्रूव कर देते हैं जैसे ही अप्रूव हो गया

फिर वो डिपॉजिटरी क्या करेगी अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स को बताएगी जैसे सी डी है ना तो इनके अब जिसके भी आपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चूज़ किया हो सपोज करिए मैंने सी का चूज़ किया था तो जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स है ना वो डिपॉजिटरीज को सब कुछ बता दी तो अभी सी डी उनको बताएगी किसको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स अपने एजेंट को बताएगी कि इनका शेयर जो है डिमेटलाइज कर दिया जा रहा है ठीक है तो जैसे ही ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगी अ क्रेडिट इन द होल्डिंग ऑफ शेयर विल रिफ्लेक्ट इन द इन्वेस्टर्स अकाउंट इलेक्ट्रॉनिकली तो जैसे ही वहां डिपॉजिटरी से डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को कंफर्मेशन

तो ये पूरा चीज़ हो गया आपका डिमेटलाइजेशन प्रोसेस का तो यहाँ पे हमने स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली आई होप आपको क्लियर हुआ होगा विश यू ऑल द बेस्ट थैंक यू सो मच